गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। पिले माने आज आम तुम माई इंग्लिश बही रो लेसन 5 पढ़िबा। द टॉपिक इज इफ आई मेट, गोटे छोट पोएम टे तो देखिबा। मु रीडिंग करछि, समस्त देख। इफ आई मेट ए क्रो आई शुड से का का, इफ आई मेट ए लैम्प आई शुड से वा वा, इफ आई मेट ए काउ आई शुड से मु मु, इफ आई मेट ए डॉग आई शुड से कु कु, इफ आई मेट ए डॉग आई शुड से वो वो, इफ आई मेट ए कैट आई शुड से म्याऊ, इफ आई मेट ए क्रोकोडाइल व्हाट शुड आई से, व्हाई नथिंग एट ऑल आई शुड जस्ट रन अवे। ओके पिले माने, सो मु रीडिंग कर देली, एबे तार ओडिया कहि दउची, सो मन देकी सुनिबा। इफ आई मेट ए क्रो, पिले माने इफ आई आई एटी की ना, आई इज द पोएट, एटी कवि कहउछंती। इफ आई मेट ए क्रो, जदि मु गोटे काउ को भेटिबि आई शुड से काका, मु कोन करिबि ना काका करिबि। काउर शब्द कोन, काउ किभलि शब्द करे, काका करे। तो कवि कहउछंती जदि गोटे काउ को मु भेटिबि तेबे काका कहिबि। इफ आई मेट ए लैम्प आई शुड से वा वा, जदि मु गोटे लैम्प कहिले मेंढा छुआ, मेंढा देखिछ छुआ मेंढा को लैम्प कुआ जाए। आई शुड से वा वा, मु वा वा करिबि। इफ आई मेट ए काउ, जदि गोटे गाई को भेटिबि आई शुड से मु मु, गाई रो शब्द मु मु। इफ आई मेट ए डोव आई शुड से कु कु, पहले डोव कहले, डोव कहले हूँ कपोत पक्षी, ठीक अच्छे कपोत पक्षी। आई शुड से कु कु, तो कपोत को देखिले मु कु कु करिबि बोली कवि कहउछंती। इफ आई मेट ए डॉग, जदि मु गोटे कुकुर को भेटिबि आई शुड से वो वो, ताहले मु वो वो करिबि। इफ आई मेट ए कैट, जदि गोटे बिराड़ी को भेटिबि आई शुड से म्याऊ, बिराड़ीर शब्द कौन म्याऊ। इफ आई मेट ए क्रोकोडाइल व्हाट शुड आई से, जदि मु गोटे कुंभीर को भेटिबि व्हाट शुड आई से, ताहले मु कौन कहिबि कवि कहउछंती। देख लास्ट डेज व्हाई नथिंग एट ऑल, किछि कहिबेनि कवि, कवि कहउछंती किछि कहिबेनि काहेकि कि आई शुड जस्ट रन अवे, मु कौन करिबि सांगे सांगे दौड़िकी पळेइबि। तले काहेकि किछि कहिबेनि क्रोकोडाइल देखिले ना, क्रोकोडाइल होउछि, क्रोकोडाइल इज ए फेरोसियस एनिमल, से गोटे भयंकर प्राणी, ताकू देखिले कौन कवि कहउछंती मु डरिकी दौड़िबि। ओके सो पिला माने ओडिया हेगला, तो पोएम टू को तुम मैंने सब घरे रीडिंग कर, भल कर रीडिंग कर, मन रखिबो। ओके तो वर्तमान आस तुम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। व्हाट इज द पोएम अबाउट, द पोएम इज अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स। नंबर टू, हु आर देयर इन दिस पोएम, देयर आर क्रो डोव लैम्प काउ डग कैट एंड क्रोकोडाइल इन दिस पोएम। हु इज आई इन द पोएम, द पोएट इज आई इन द पोएम। Number 4, who does the poet talk to, the poet talks to crow lamb cow dove dog and cat, the poet talks about some birds, who are they, the poet talks about some birds, they are crow and dove. Number 6, there are 8 stanzas in this poem, which one is different from others, why, answer, there are 8 stanzas in this poem, stanza 7 is a different one because here the poet says nothing to meet crocodile, he just runs away. Okay, number 7, whose sounds make you get up early in the morning, sounds of a crow cow cock and a cuckoo make us get up early in the morning. Number 8, how many times the word I is used in the poem, the word I is used 14 times in the poem. Number 9, who runs away from the crocodile and why, the poet runs away from the crocodile because it is a ferocious animal. Number 10, which animals sound do you like most, I like sound of cuckoo. Last one, number 11, which animal can live both on land and in
वाटर। क्रोकोडाइल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ओके पिले माने देन तमर पेज नंबर 70 रे देखो सेशन 2 रे गोटे कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटीज देइछि। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एक नंबर द क्रो सेज डैश ऑप्शन बी का का बसेबा। नंबर 2 आई इन द पोएम इज यूज्ड फॉर द डैश आई कहा पई व्यवहार हेछि पोएट ऑप्शन ए नहीं। नंबर 3 हु सेज कू कू द डोव। नंबर 4 हु कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर क्रोकोडाइल। ओके देन सेशन 3 देखिबा 71 पेज गोटे टेबुल देजी लिविंग प्लेस देन नेम्स देन साउंड्स दे मेक। अच्छा लिविंग प्लेस लिव ऑन लैंड लैंड रे के रुहंती नेम्स लिखिबा जेमती कि मु लिखि देजी देखो काओ साउंड्स दे मेक काओ कि बोले साउंड करे मु सेमती वाटर लिव इन वाटर फ्रॉग क्रक क्रक लिव इन लैंड एंड इन वाटर बोथ लैंड एंड इन वाटर रे के रुहन दैट इज क्रोकोडाइल एंड ग्रंट साउंड हो कौन ग्रंट। अच्छा देन देख तार ठीक तल को गोटे बी रे दे गोटे फिल इन द ब्लैंक्स करिबा। इफ आई मेट ए क्रोकोडाइल व्हाट शुड आई से व्हाई नथिंग एट ऑल आई शुड जस्ट रन अवे। ओके सो देन जीवा पेज नंबर 72 72 रे भी तुमर सही देजी एनिमल्स और बर्ड्स नेम साउंड एंड प्लेस। ओके फर्स्ट काओ देजी तार साउंड लिखिबा मु लिविंग प्लेस होची लैंड और काओ सेट देन डोव साउंड होची कुकु लैंड और फॉरेस्ट क्रो काका लैंड प्लेस होची कौन नेस्ट क्रोकोडाइल ग्रंटिंग वाटर और लैंड कैट म्याओ हाउस डग वो हाउस लैम्ब वा शेड और सिपेन। ओके अच्छा ता तलू दे बीरे राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स व्हिच आर नॉट गिवन इन द पोएम हु लिव ऑन लैंड इन वाटर एंड इन बोथ। पोएम रे न दे जीवंकर ना लिखिबा पशु मानकर बा पक्षी मानकर जे कि जल रे रुहंती एवं बोथ जल एवं स्थल रे रुहंती। ओके सो देख पिले माने लिव्स इन लैंड रे तुम लिखिपार हॉर्स हेन पिकक गोट लिव्स इन वाटर फिश फ्रॉग शार्क टर्टल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर फ्रॉग टर्टल स्नेक। ओके सो मुझे ये लिखि देजी तुम्हें मैंने आहुरी बाहर करके लिखि पारिबो। ओके सो देन दिबा सेशन 6 सेशन 6 रे तमर देजी देखो गोटे एग्जांपल देजी इट्स ए लवली डे वी कैन चेंज दिस सेंटेंस एंड राइट एज द डे इज ए लवली। ओके तो आमे रीराइट द सेंटेंस करिबा। नंबर आई देखो इट्स ए नाइस डे द डे इज ए नाइस। नंबर 2 इट्स ए ब्यूटीफुल गार्डन द गार्डन इज ए ब्यूटीफुल। इट्स ए लवली डॉल द डॉल इज ए लवली। इट्स ए फाइन बिल्डिंग द बिल्डिंग इज फाइन। इट्स ए यूजफुल बुक द बुक इज यूजफुल। ओके सो देन पेज नंबर 73 रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लाइक द एग्जांपल गिवन बिलो। एग्जांपल देखो आई मेड द डोव एस्टरडे। ओके सो एस्टरडे लगे की सेंटेंस अच्छी ताकू एवरीडे लगे की सेंटेंस को करिबा। ओके पास्ट रे अच्छी ताकू प्रेजेंट करिबा। देखो एवरीडे लागिलो कोन होला आई मीट द डोव एवरी डे। ओके आमर फर्स्ट सेंटेंस रे तले एस्टरडे लागी तो मेट थिला नाई वर्ब 2 थिला बट वर्ब 2 टा वर्ब 1 हैला केते बेले ना जेते बेले एवरीडे लगे हला सेटा वर्ब 1 हे गेला। जस्ट सेम ती करिबा। नंबर आई देखो आई वेंट टू स्कूल एस्टरडे। ओके सो जेते एवरीडे लगेबा वेंट टा वर्ब 2 रे अछि ताको हम कोन करिबा वर्ब 1 कर देबा। ओके आई गो टू स्कूल एवरी डे। नंबर 2 देखो आई डिड माय होमवर्क एस्टरडे आई डू माय होमवर्क एवरी डे। आई प्लेड क्रिकेट एस्टरडे आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई वॉच द टीवी एस्टरडे आई वॉच टीवी एवरी डे। ओके देन सेशन 7 सेशन 7 रे तुम्हारे किसी क्वेश्चन आंसर अच्छे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी तुम डिस्कशन हो जाए तथा या डिस्कशन करुच्छे मन दे कि शुणा। ह्वाट इज द पोएम अबाउट द पोएम इज अबाउट सम एनिमल्स एंड बर्ड्स
टू वाई देर आर एट स्टैंडर्स इन दिस पोएम हुई वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वाई स्टैंडर्स सेवेन इज डिफरेंट बिकॉज द पोएट जस्ट रन अवे बट से नथिंग ओके थ्री आई हुज साउंड्स मेक यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग द साउंड्स ऑफ अ क्रो कक हेन मेक अस गेट अप इन द मॉर्निंग आई वी हु रन्स अवे फ्रॉम द क्रोकोडाइल एंड व्हाई द पोएट रन्स अवे फ्रॉम द क्रोकोडाइल बिकॉज इट इज ए फेरोसियस एनिमल हुईज कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ए फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ओके सो पाने आज तुम मानकर क्लास सरी जाए वीडियोटी भल भाव देखा समस्त प्रश्न उत्तर खातार लिखने ओके सो थैंक यू वेरी मच।